आपसे जानना चाहूंगा, 25 साल पूरे हो गए सरपंच को, कितनी पुरानी ताजे याद है सर, आज भी आप वैसे ही फिट एंड फाइन है। एक्चुअली 25 साल हो गए, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही कि इतना टाइम हो गया है। जब हम सोचते हैं अपने जहन में तो 25 साल बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल की बात है। अभी तो 2-4 साल पहले रिलीज़ हुई है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। वो फिल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों तो मैं बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि आज हम लोग आएंगे यहाँ पे, आप लोग से मिलेंगे, पूरा कास्ट और क्रू को मैं एक दफ़ा फिर इतने सालों बाद में मिलूँगा। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये फिल्म जो हम लोग ने बनाई थी सरफरोश, ये बहुत ही एक अहम फिल्म है हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना एक दिल को छुआ लोगों के, तो ये वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म रही है मेरे करियर की सरफरोश। इट्स समथिंग दैट पीपल हैव रियली लव्ड एंड द ऑडियंस यू नो अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ रियली लव्ड दिस फिल्म। सो ये एक मौका है मेरे लिए सबको शुक्रिया अदा करने का कि ये फिल्म आप लोगों ने इतनी पसंद की और हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी जी, एक्चुअली जब हमने सरफरोश की तो हमने बड़ी रिसर्च की थी कि पुलिसिंग कैसे होती है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी पुलिस वाले को मिलता हूँ, तो चाहे वो कांस्टेबल हो या आईपीएस ऑफिसर हो, सभी मुझे बोलते हैं कि आपकी सरफरोश फिल्म हमें बेहद पसंद है और उसमें इतना अच्छा दिखाया है, हर चीज़ इतनी अच्छी दिखाई है और पुलिसिंग को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, इतनी डिटेल में दिखाया है। तो जब भी मैं ये सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। सुनाई नहीं दिया मुझे। अगर सॉन्ग की बात करें, हाँ गाने भी बड़े अच्छे हैं, उसमें जगजीत सिंह की गज़ल है, होश वालों को खबर क्या, वो बहुत ही प्यारी गज़ल है, जगजीत सिंह ने इतना अच्छा गाया है, और एक रोमांटिक गाना भी बड़ा अच्छा है सोनाली और मेरा, और सारे गाने मुझे अच्छे लगे थे उस फिल्म में। जी आप कुछ पूछ रही थी। सोनाली जी ने अभी तक देखी नहीं है? नहीं। अच्छा कमाल हो गया, मैं पूछता हूँ अभी सोनाली से। लेकिन मैंने तो उस वक्त खूब देखी थी, लेकिन एक बहुत अरसा हो गया, मैंने बहुत साल हो गए मैंने देखी नहीं फिल्म, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट अगेन। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि हम लोग थिएटर में लगाएंगे तो ऑडियंस फिर आ जाएगी, इतनी अच्छी फिल्म है ये। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कमिंग ओवर हियर। अरे अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं तो कई सालों से जॉन को बोल रहा हूँ कि सरफरोश 2 बननी चाहिए, और जिस मोड़ पे हमने फिल्म को भी छोड़ा था, हमारे जहन में वो बात थी कि हम इसका पार्ट 2 बना सकते हैं, और अभी भी मैं जॉन को बोलते रहता हूँ कि भाई अच्छी कहानी लिखो तो हम सरफरोश 2 बना सकते हैं, और इस दफ़ा उसने कहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो देखते हैं, मुझे भी उम्मीद है कि सरफरोश 2 बने।